मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 25 जनवरी से संविधान पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। अब हर शनिवार को शिक्षक और छात्र मिलकर संविधान की प्रस्तावना का वाचन करेंगे। भोपाल के राजीव गांधी हाई स्कूल में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा की मौजूदगी में संविधान की प्रस्तावना का वाचन हुआ। मंत्री की मौजूदगी में शिक्षक और छात्रों ने इसका वाचन किया। मंत्री ने कहा, देश का भविष्य भारत के संविधान में मिले अधिकार और संविधान के प्रति जागरूक हो सके, इस उद्देश्य को लेकर स्कूलों में इसकी शुरुआत की गई है। कल 26 जनवरी है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, देश का संविधान लागू हुआ था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इस देश की आज़ादी की लड़ाई पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, इनके नेतृत्व में सब लड़ी गई। और उसके बाद सब नेताओं ने मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर उसकी बड़ी भूमिका में थे, ये संविधान बना जो दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कुछ छेड़छाड़ न कर पाए, तो इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के पहल पर स्कूलों में ये संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई, जो इनके मस्तिष्क में बैठ जाए, भविष्य में भी कुछ छेड़छाड़ न कर पाए।